नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल परिश्रम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, राजस्थान में आयोजित होने वाली बहुत सी एग्जामों की डेट घोषित हो चुकी है, पटवार की डेट भी घोषित हो चुकी है, और हम जिस सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं साथियों, ये सिलेबस पटवार भर्ती के लिए भी है, राजस्थान पुलिस के लिए भी है, रीट के लिए भी है, और तमाम सेंटर में आयोजित होने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों के बारे में या उन सभी भर्तियों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत के प्राकृतिक प्रदेशों की, और प्राकृतिक प्रदेशों में हम बात कर रहे हैं तीसरे प्राकृतिक या भौतिक प्रदेश जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बात हम कर रहे हैं। एक क्लास हमने इससे पहले ले ली थी कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ अवस्थित है, क्या क्षेत्रफल है, और ये कौन कौन से क्षेत्रों में, इसका विस्तार कहाँ तक है, उन तमाम बातों के बारे में हमने पहले क्लास से ले ली है। तो उनका उनके बारे में आप अध्ययन करें, एक बार उसे आप देख लें कि इसके बारे में शुरुआती जानकारियाँ कैसी हैं। आज हम उससे आगे बात करते हैं एक यहाँ एक भारत का रेखाचित्र, और इसमें हमने बात करी थी कि अरावली पर्वत श्रेणी किधर, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर ये दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक फैला एक पठारी प्रदेश, जो उल्टे त्रिभुज के आकार में, जिसका आधार उत्तर में है, शीर्ष दक्षिण में है, इनके मध्य फैले एक पठारी प्रदेश जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इन तमाम जानकारियों के संबंध में हमने पहले क्लास में बात कर ली है। उससे संबंधित अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो उससे पहले वाली क्लास के बारे में आप ही देख लें, ठीक है। आज हम बात करते हैं इस प्रायद्वीपीय पठार में कुछ स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, मतलब इस प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन की बात करेंगे हम। विभाजन का मतलब इसमें कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, और दोस्तों इसके साथ साथ कुछ पठारी क्षेत्र भी हैं जिनके संबंध में हम आज बातें करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस अरावली पर्वत श्रेणी के से लेकर अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर मध्य प्रदेश और यमुना की सीमा तक फैला एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को दोस्तों नाम दिया गया, क्या नाम, कि ये मालवा का पठारी प्रदेश है। कौन सा पठारी प्रदेश है? ये मालवा का पठारी प्रदेश, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, एक पठारी प्रदेश यहां अवस्थित है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। जो कहां पे है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, जिसको हम छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश कहते हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पर स्थित है बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठारी प्रदेश है वो। इसी तरह दोस्तों, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में यहां पर स्थित एक पठारी प्रदेश है जिसको हम दंडकारण्य का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? दंडकारण्य का पठार। इसी तरह साथियों, दक्षिण में कर्नाटक जो राज्य है, उस कर्नाटक में फैले एक पठारी प्रदेश को हम कहते हैं कर्नाटक का पठार, और बीच में यहां पर रह जाता है दक्कन का पठारी प्रदेश। कौन सा पठारी प्रदेश? दक्कन का पठारी प्रदेश, ठीक है। उसके बाद साथियों, बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार मालवा का पठारी प्रदेश है, उससे नीचे एक पर्वत श्रेणी है, उससे नीचे यहां पर एक पर्वत श्रेणी है जो मध्य प्रदेश में, यानी अधिकांश उसका विस्तार है वो मध्य प्रदेश में, और इधर बिहार का सासाराम, आपने सासाराम नाम सुना होगा बिहार में, वहां तक फैली एक पर्वत श्रेणी है जिसको दोस्तों हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं।
क्या कहती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक और पर्वत श्रेणी है जो दोस्तों इस तरह से गुजरात में और थोड़ी सी महाराष्ट्र में है, उसके बाद इधर जाएं तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर, और उसके बाद में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इस तरह से फैली एक पर्वत श्रेणी है और उसका नाम है सतपुड़ा पर्वतीय श्रेणी। क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वतीय श्रेणी। और उसके बाद में सतपुड़ा से लेकर इधर दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। और ये पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों तक अवस्थित है। कौन सी पहाड़ियों तक है? नीलगिरी की पहाड़ियों तक। और इस तरह टुकड़ों में ये पूर्वी घाट में कुछ पहाड़ियाँ जो ओडिशा में महेंद्रगिरी वगैरह की जो हैं पर्वत चोटियाँ हैं, इस तरह से पूर्वी घाट पर और कुछ पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों इसी तरह से हम बात करें कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी। और इसी घाटी को कहते हैं नर्मदा घाटी। इसी तरह दक्षिण की ओर बहने वाली एक और नदी है जो गुजरात वाले क्षेत्र से होकर बहती है और इस नदी का नाम है ताप्ती, यानी हम कहते हैं ताप्ती नदी घाटी। ठीक है, अब इसमें दोस्तों ये जो संरचनाएं हैं, जो कुछ स्थलाकृतियां हैं, मुख्य मुख्य जो पठारी प्रदेश, या फिर देखिए दोस्तों ये इस तरह से इधर पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के बाद का जो क्षेत्र है ये त्रिपुरा, इधर से मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर स्थित एक पठारी प्रदेश है और इस पठारी प्रदेश का नाम है मेघालय या फिर शिलोंग का पठार। मेघालय या फिर कौन है? शिलोंग का पठार। और मेघालय और शिलोंग के पठार में तीन पहाड़ियां हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, हालांकि पहले हम बात कर चुके हैं। और एक पहाड़ी जो है वो असम में स्थित है, वो भी इसी पठारी क्षेत्र में आती है। अब दोस्तों हम इसके संबंध में प्रत्येक के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में पूछे जाने वाले जो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनके संबंध में हम बातें करते हैं। दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश से लेकर, ग्वालियर मध्य प्रदेश से लेकर अरावली के बारे में बताएंगे आपको, ग्वालियर मध्य प्रदेश से लेकर यमुना नदी की सीमा तक, कौन सी नदी की सीमा तक? यमुना जो नदी है उस नदी की सीमा तक एक पठारी प्रदेश अवस्थित है और उस पठारी प्रदेश को आप कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार, या आप उसे कहते हैं बघेलखंड का पठार। जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुछ फैला हुआ बुंदेलखंड और बघेलखंड का एक पठारी क्षेत्र है, एक कगारी भूमि वाला क्षेत्र है, जिसको दोस्तों हम कहते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश। हम राजस्थान की तरफ आए तो राजस्थान में अरावली से पूर्व की ओर, अरावली से पूर्व की ओर विंध्यन कगार भूमि, आपने नाम सुना होगा, ये विंध्यन कगार भूमि से फिर और पूर्व की तरफ आते हैं तो फिर अपने को मिलता है बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार फैला है दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश से लेकर कौन सी नदी के बीच में? यमुना नदी के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश को दोस्तों हम कहते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। ठीक है दोस्तों, उससे नीचे जो ये वाला क्षेत्र है, उससे नीचे जो क्षेत्र रह गया, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है मालवा का पठारी प्रदेश। क्या कहलाता है? मालवा का पठार, मालवा का पठार। देखिए दोस्तों मालवा का जो पठारी प्रदेश है, ये मालवा का पठारी प्रदेश, इधर कौन, उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? दोस्तों मालवा के पठारी प्रदेश के उत्तर पश्चिम में इधर जो स्थित है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली पर्वत श्रेणी, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है। आगे ये दिल्ली तक विस्तृत है, कुल 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो गुजरात से आती है, उसके बाद ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो राजस्थान में है, उसके बाद ये जाती है हरियाणा में, हरियाणा के बाद ये दिल्ली तक जाती है,
और दिल्ली में इसकी पहाड़ियों को रायसीना की पहाड़ियाँ कहते हैं, और रायसीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है महामहिम राष्ट्रपति भवन, ठीक है, वो इन्हीं की पहाड़ियों पर स्थित है, और दिल्ली में इसको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वतें श्रेणी, एक तो ये अरावली है और दूसरी ये कौन सी है, विंध्याचल पर्वतें श्रेणी। अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित एक पठारी प्रदेश को क्या कहा जाता है, मालवा का पठारी प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मालवा का पठारी प्रदेश कहते हैं। दोस्तों याद रखना, ये मालवा का पठारी प्रदेश मध्य प्रदेश में अवस्थित है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो है उस क्षेत्र में विस्तृत है, वहां फैला हुआ है। इसके मध्य में स्थित एक काली मृदा का क्षेत्र, एक कगार वाली भूमि, एक अवनाली का अपरदन, एक ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र, घने वनों वाला, एक घाटियों वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा है, मालवा का पठारी प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, मालवा का पठारी प्रदेश, ठीक है। दोस्तों मालवा के पठारी प्रदेश से होकर कुछ नदियां बहती हैं, जैसे दोस्तों चंबल नदी, कौन सी नदी बहती है, चंबल नदी। इसी तरह से बेतवा है, केन है, ये सभी नदियां कौन से पठारी प्रदेश से होकर बहती हैं, मालवा के पठारी प्रदेश से होकर बहती हैं। मालवा के पठारी प्रदेश को अपर्दित करती है, उसे काटती है, और यहाँ की काली मृदा को आगे उत्तर पूर्व में ले जाकर क्या कर देती है, जैसे करौली है, सवाई माधोपुर के धौलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ जाकर उस काली मृदा को ये जमा करने लग जाती है। हालांकि धौलपुर के आसपास दोस्तों मूल रूप से काली मृदा नहीं है, लेकिन वहाँ पर पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है वो चंबल नदी के साथ बहकर वहाँ तक जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, आपको पता होगा ये जो चंबल नदी के बारे में हमने बात करी है, ये चंबल नदी कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित महू की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है ये गुजरात से मध्य प्रदेश से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, ये मध्य प्रदेश से शुरू होती है। अधिकांश इसका विस्तार जो है वो कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है, और बिहार का सहसाराम, आपने नाम सुना होगा सहसाराम जो स्थान है ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये बिहार में है। वहाँ तक फैली एक पर्वत श्रेणी, और उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है दोस्तों, उस पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्यन भूमि, या हम विंध्यन पर्वत श्रेणी, इस तरह इसको कई नामों से जाना जाता है, और उसी का नाम क्या है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। आगे बात करें, उसके बाद दोस्तों हम उसके दक्षिण में आते हैं, और दक्षिण में एक घाटी है, और उस घाटी को हम कहते हैं नर्मदा नदी घाटी। ये दोस्तों एक रिप्ट घाटी है। कैसी घाटी है, एक रिप्ट घाटी है। रिप्ट घाटी का मतलब इधर विंध्याचल पर्वत श्रेणी ऊपर उठा हुआ भाग है, इधर से कौन सी पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ऊपर उठा हुआ है, और दो पर्वत श्रेणी जो है, दो पर्वत श्रेणी समानांतर है, और उनकी बीच की भूमि है वो नीचे धंसी हुई है, मतलब वो अवतलित है। मतलब आप इस तरह से समझ सकती हैं कि यह जो पर्वत श्रेणी है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके बाद में एक इस तरह की निम्न भूमि है, और उसके बाद में कौन सी पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में जो घाटी है उस घाटी को हम कहेंगे यहाँ रिप्ट घाटी है। मतलब ये कोई समतल भाग था, ठीक है, बराबर ही था, लेकिन किसी विवर्तन की घटना के कारण ये इतना जो भाग है वो नीचे की ओर धंस गया। ये इतना भाग क्या कर गया, नीचे की ओर अवतलित हो गया, नीचे की ओर धंस गया, इसलिए यह जो घाटी है ये एक अवतलित घाटी हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको दोस्तों हम रिप्ट घाटी के नाम से जानते हैं। कौन सी घाटी के नाम से, जिसको हम रिप्ट घाटी के नाम से जानते हैं, और वह रिप्ट घाटी है नर्मदा नदी घाटी। आपने नाम सुना होगा नर्मदा नदी घाटी, ठीक है, नर्मदा नदी है ये। दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने बताया था ये प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है इसके उत्तर का जो हिस्सा है, इससे ऊपर का जो हिस्सा है उसका ढाल तो किधर है, उत्तर की ओर है, बाकी जो शेष रह गए उसका ढाल किधर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। लेकिन ये इतना जो क्षेत्र है, एक तो विंध्याचल के दक्षिण में,
और सतपुड़ा के दक्षिण में। ये दो घाटियां यहां पर स्थित हैं और दोनों ही घाटियों का ढाल किधर है? पश्चिम की ओर है। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि वह नदी जो रिप्त घाटी में बहती है या तो क्या आ जाता है, नर्मदा। नर्मदा ऑप्शन में नहीं है तो ताप्ती नदी घाटी, और ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों दामोदर का नाम आ सकता है। दामोदर जो नदी है जो छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश से निकलकर पूर्व में जाती है, हुगली नदी में मिलती है, वह नदी भी किसमें बहती है? एक रिप्त घाटी में बहती है। किसमें बहती है? एक रिप्त घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित घाटी का नाम, तो कौन सी घाटी है? नर्मदा रिप्त घाटी, नर्मदा रिप्त भ्रंश जो है वो किनके बीच में है? ये विंध्याचल, और इधर से स्थित कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित घाटी है नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा भ्रंश जो है एक रिप्त घाटी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो पर्वत आता है उसका नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से भारत का ब्लॉक पर्वतों का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो ब्लॉक पर्वत भारत में एक ही है और वह किसका उदाहरण है? वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। वह कौन सी पर्वत श्रेणी है? वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये कितने, मतलब ये सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है ये कैसा पर्वत है? एक ब्लॉक पर्वत है। दोस्तों ब्लॉक पर्वत क्या होता है? ब्लॉक पर्वत का मतलब है ये एक निम्न घाटी है, उसके बाद में ये एक ऊपर उठा हुआ भाग रह गया, और उसके बाद में साइड का दूसरा जो हिस्सा है वो भी क्या है? नीचे है। देख सकते हैं आप, ये भाग नीचे धंसा हुआ है, मैंने दिखा दिया। मान लीजिए ये कौन सा है? ये नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है जो नीचे धंसा हुआ है। उसके बाद में एक ये हिस्सा है जो तापी नदी घाटी का है, तो इसे आप मान सकते हैं तापी नदी घाटी या ताप्ती नदी घाटी। ये भी क्या है? नीचे धंसा हुआ है, और ये कोई भाग ऊपर उठा हुआ है। या तो ये दोनों हिस्से नीचे धंसे होंगे। ये भी किधर गया है? ये भी दक्षिण में चला गया। और ये भी क्या, ये पहले कभी यहाँ थे, ये पहले कभी यहाँ थे, और यहाँ से ये क्या कर गए? नीचे की ओर धंस गए। जैसे नर्मदा घाटी भी नीचे की ओर धंस गई और ताप्ती नदी घाटी भी क्या कर गई? नीचे की ओर धंस गई। नीचे की ओर धंस जाने के कारण ये बीच का जो भाग था ये ऊपर उठा हुआ रह गया। अब इधर से ये बाधा उत्पन्न करता है, इधर से ये बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए ब्लॉक हो गया। ब्लॉक का मतलब रुकावट पैदा करने वाला, बंद करने वाला। इधर से आए तो हमारे बीच में कौन आ गया? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इधर से जाए तो बीच में कौन है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दोनों ओर घाटियां स्थित है, और ऐसे जो पर्वत होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? ऐसे पर्वत ब्लॉक पर्वतों की श्रेणी में आते हैं, और इन्हीं पर्वतों को भारत में क्या कहा जाता है? इन्हें ब्लॉक पर्वत। और भारत में सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो सबसे अच्छा उदाहरण ब्लॉक पर्वत का सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ही है। तो इस बात का आपको यहां ध्यान रखना है। ठीक है, चले दोस्तों आगे हम बात करते हैं और सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। तो देखिए सतपुड़ा ये जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों इसे तीन भागों में विभाजित कर रखा है मैंने। कितने टुकड़ों में बांट रखा है? तीन भागों में नहीं, इसको विभाजित कर रखा है। और वहां पर इस पर्वत श्रेणी को तीन पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तीन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जैसे ये जो पश्चिम वाला जो भाग है इसे कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? राजपीपला की पहाड़ियां, राजपीपला की पहाड़ियां। दोस्तों याद रखना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग को, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पश्चिमी जो भाग है इस पश्चिमी भाग को क्या कहा गया है? इस पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ियां कहा गया है। क्या कहा गया है? राजपीपला की पहाड़ियां। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मध्य में स्थित जो भाग है किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच का जो भाग है इसे कहा जाता है महादेव की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? महादेव की पहाड़ियां। याद रखना दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य के भाग को, मध्य में स्थित कुछ पहाड़ियां हैं जिनको महादेव की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दोस्तों उत्तर पूर्व में जो हिस्सा रह गया इस उत्तर पूर्व के हिस्से को दोस्तों कहा जाता है मैकाल पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं, इसे मैकाल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, मैकाल पहाड़ियां। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं।
ठीक है। अब किस तरह से याद करेंगे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कितने भागों में विभाजित किया, पहाड़ियों के रूप में, किसके रूप में, पहाड़ियों के रूप में हमने इसे तीन भागों में विभाजित किया। सबसे पहले सतपुड़ा का सबसे पश्चिम का जो भाग है इसको क्या कहा गया, राजपीपला की पहाड़ियां कहा गया। क्या कहा गया, राजपीपला की पहाड़ियां। मध्य में स्थित है उसको दोस्तों कहा गया महादेव की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां कहा गया, महादेव की पहाड़ियां। और उत्तर पूर्व में स्थित जो इसका सबसे अंतिम भाग है उसे क्या कहा गया, इसे कहा गया मैकाल की पहाड़ियां। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया यहां पर। अब इनका कभी कभी क्रम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि निम्न का क्रम बताइए, तो सबसे पश्चिमी राजपीपला, मध्य में स्थित महादेव और उत्तर पूर्व में स्थित कौन सी है, मैकाल की पहाड़ियां। तो क्रम भी पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ पर्वत चोटियां हैं दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं जिनके संबंध में हमें बात करनी है। जैसे आपने दोस्तों नाम सुना होगा, एक पर्वत चोटी है और उसका नाम है धूपगढ़ पर्वत चोटी, जो मध्य प्रदेश में स्थित यहां पर एक पर्वत चोटी है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। ये एक पर्वत चोटी है, लगभग 1350 मीटर ऊंची है। लगभग कितनी ऊंची है, 1350 मीटर ऊंची है। हम ये कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो कौन सी है, धूपगढ़। ये कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, तो कौन सी पहाड़ियां हैं, ये महादेव की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां हैं। महादेव की पहाड़ियों में एक ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम क्या है, धूपगढ़ पर्वत चोटी। कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में। ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। और हम ये कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में जितनी भी पर्वत चोटियां हैं उन सभी पर्वत चोटियों में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटी कौन सी है, धूपगढ़ पर्वत चोटी। कौन सी पर्वत चोटी है, धूपगढ़ पर्वत चोटी। दूसरा दोस्तों, आपने यहां पर एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान, स्वास्थ्यवर्धक स्थान का मतलब एक हिल स्टेशन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है यहाँ पर, जिसका नाम पंचमढ़ी आता है। जिसका नाम क्या आता है, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक बायो रिजर्व है, फॉरेस्ट क्षेत्र भी है, या हम ये कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, तो ये धूपगढ़ जो पर्वत चोटी है यही पर स्थित एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्थान है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, पचमढ़ी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पचमढ़ी कहाँ है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। कौन से क्षेत्र में, जहाँ पर धूपगढ़ पर्वत चोटी है उसी के निकट में एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम क्या है, पंचमढ़ी नाम है। और ये पंचमढ़ी दोस्तों कहाँ है, ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, ये धूपगढ़ पर्वत चोटी के निकट स्थित है, ये एक बायो रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र भी है, एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। वो सभी कहाँ स्थित है, ये सभी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव की पहाड़ियों में धूपगढ़ पर्वत चोटी के निकट स्थित है। कौन, पंचमढ़ी की पर्वत चोटी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो आता है मैकाल पर्वत चोटी, मैकाल पर्वत श्रेणी आती है और मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित एक अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी। ये मैकाल पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, मैकाल पहाड़ियां। मैकाल पहाड़ियों में स्थित एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है, अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक। कि अमरकंटक की चोटी कहाँ है, तो अमरकंटक की चोटी दोस्तों पड़ती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वैसे अगर देखें दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, मैकाल जो पहाड़ियां हैं, ये मैकाल पहाड़ियां इधर से तो मध्य प्रदेश में आती हैं। कौन से राज्य में आती है, मध्य प्रदेश में। और इधर का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ में आता है। कौन से राज्य में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, तो अमरकंटक पर्वत चोटी मध्य प्रदेश में स्थित है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 1066 मीटर है। कितनी है, 1066 मीटर। मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। कौन सी पहाड़ियों में, तो कौन सी पहाड़ियों में है, मैकाल की पहाड़ियों में। ये पहाड़ियां जो है ये मैकाल की है। इसमें एक पर्वत चोटी जिसका नाम क्या है, अमरकंटक पर्वत चोटी। ऊंचाई कितनी है, 1066 मीटर, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। मैकाल की पहाड़ियां तो दो राज्यों में है, एक तरफ से एमपी में है और दूसरी तरफ से कहां है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
दोस्तों अमरकंटक जो पर्वत श्रेणी है, नहीं अमरकंटक जो पर्वत चोटी है, इसी अमरकंटक पर्वत चोटी से एक नदी निकलती है और उसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और इसी पर्वत चोटी से एक उत्तर में एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। ठीक है, यानी एक ही पर्वत चोटी के दो ओर से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम तो क्या है दोस्तों? एक नदी का नाम तो है नर्मदा नदी और दूसरी नदी का नाम क्या है? सोन नदी। सोन नदी उत्तर में बहती है और बिहार में जाने के बाद ये पटना के आसपास किस में मिल जाती है? ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस बात का भी दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम बात करें कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में यहाँ की चट्टानें कैसी हैं, तो दोस्तों यहाँ जो उपस्थित चट्टानें हैं वो नीस और ग्रेनाइट प्रकार की जो चट्टानें हैं, एक तो कैसी है? नीस। और दूसरी बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टानें हैं, बेसाल्ट प्रकार की जो शैलें हैं, नीस और बेसाल्ट की संरचना से बनी हुई यहाँ पर शैलें पाई जाती हैं। तो ये था दोस्तों किसके बारे में? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से दक्षिण में एक रिप्त घाटी है। दिख रही है आपको एक रिप्त घाटी यहाँ पर? ठीक है, उसके दक्षिण में एक रिप्त घाटी है और इस रिप्त घाटी का दोस्तों नाम क्या है? तो इसका नाम है तापी नदी घाटी। कौन सी है? तापी नदी घाटी। ठीक है, इससे दक्षिण में ये ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से ये गुजरात के सूरत वाला जो क्षेत्र है उससे होकर ये अरब सागर में आ जाती है या खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में आ जाती है। तापी नदी ये भी एक घाटी है, ये भी एक घाटी है, दोनों के बीच में एक ब्लॉक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम दोस्तों आते हैं उत्तर पूर्व की ओर, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं क्योंकि इस हिस्से में हमें और पढ़ना है कुछ। साथ साथ में आप लिखते जाएं अपनी नोटबुक में, मैं जो बातें बता रहा हूं वो सभी बातें लिखने योग्य होती हैं। ठीक है, इसलिए आप इनमें कभी भी कंजूसी ना करें, अपनी नोटबुक में आप साथ साथ में लिखते जाएं। अब देखिए दोस्तों यहां पर स्थित ये जो एक पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश को दोस्तों हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठारी प्रदेश है ये उत्तर पूर्व में यहां पर स्थित कुछ पहाड़ियां हैं, झारखंड में यहां पर स्थित कुछ पहाड़ियां हैं। और दोस्तों उस इस तरह से फैली है ये पहाड़ियां, यूं ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यहां पर स्थित पहाड़ियां हैं जिनका नाम है राजमहल की पहाड़ियां, जो झारखंड में स्थित है, राजमहल की पहाड़ियां। दोस्तों छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश का विस्तार राजमहल की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। महानदी और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में स्थित पठारी प्रदेश को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों इसी पठारी प्रदेश से होकर बहती है एक नदी जिसका नाम क्या है? दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी जब आगे जाती है तो गंगा की एक सहायक नदी आती है हुगली, ये हुगली में मिल जाती है। हम ये कह सकते हैं इसी दामोदर नदी पर ही दोस्तों भारत की पहली दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसको नदी घाटी परियोजना कहते हैं, भारत की पहली दामोदर नदी घाटी परियोजना जो अमेरिका की टेनिसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर 1948 में बनाई गई थी, ये वही दामोदर नदी है। ठीक है, ये छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश से निकलती है और ये पूर्व में जाती है, पश्चिम बंगाल में बहती है। छोटे नागपुर के पठारी प्रदेश का विस्तार एक तो कौन से राज्य में है? झारखंड में। और इसके उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है वो कौन से राज्य में है? वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में। छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, इसलिए दामोदर नदी इसी क्षेत्र से होकर बहती है और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद हुगली से मिल जाती है। दोस्तों यही पर स्थित एक पठारी प्रदेश और है जिसको हम रांची का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? रांची का पठार। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा ये हमारा जो पठारी प्रदेश है इस पठारी प्रदेश को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर कहते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी खनिज की अजायब घर को भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? भारत का रूहर प्रदेश या रूर प्रदेश कहा जाता है, मतलब जर्मनी में स्थित एक रूहर प्रदेश जो कोयला और खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी तरह भारत के झारखंड में स्थित छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश, हजारीबाग का पठार, रांची का जो पठारी प्रदेश है, ये भी ठीक उसी प्रकार की विशेषता रखते हैं। इसलिए इसे भारत का क्या कहा जाता है? रूहर या रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भिन्न प्रकार के खनिज, जैसे यहाँ पर झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण जो खनिज हैं वो भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना किस पठारी प्रदेश के बारे में, छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम उत्तर पूर्व में आते हैं, तो उत्तर पूर्व में स्थित एक पठारी प्रदेश और है जिसको हम या तो क्या कहते हैं, मेघालय का पठार, या फिर आपको नाम आता है शिलोंग का पठार। मेघालय और शिलोंग का पठार जो मेघालय में अवस्थित है। दोस्तों यहाँ जिस प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार की शैलें जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय के पठारी प्रदेश में पाई जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये पठारी प्रदेश पहले कभी आपस में जुड़ा हुआ था, पहले कभी आपस में क्या था, जुड़ा हुआ था, लेकिन किसी विवर्तनीय की घटना के कारण ये जो भाग था ये नीचे धंस गया। ये क्या कर गया? नीचे धंस गया। और नीचे धंस जाने के कारण ये इधर तो रह गया छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश और इधर रह गया मेघालय का पठारी प्रदेश। विवर्तनीय की घटना क्या हुई? विवर्तनीय की घटना ये हुई कि जब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का निर्माण हो रहा था, उसी समय ये इतना भाग अवतरित हो गया, नीचे की ओर धंस गया और बीच में एक गैप रह गया। क्या रह गया? एक गैप, एक रिक्त स्थान रह गया, जिसको दोस्तों कहा जाता है मालदा गैप। क्या कहा जाता है? मालदा गैप। मालदा पश्चिम बंगाल में, आपको याद होगा मालदा रेलवे स्टेशन, मालदा ट्रेन का नाम भी है, इसी तरह मालदा एक स्थान भी है जो गैप के नाम से प्रसिद्ध है, जो दक्षिण की ओर खिसक गया था, दक्षिण में अवतरित हो गया था, बीच में एक रिप्त घाटी रह गई थी, गहरी घाटी बनी हुई रह गई थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, इधर से नदी गंगा और इधर से बहकर आने वाली ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनकी सहायक नदियों के द्वारा इस भाग में नई मिट्टी लाकर जमा कर दी। क्या कर दी? एक नई मृदा लाकर यहाँ जलोढ़ जमा कर दिए, और जमा करते करते ये जो रिप्त घाटी थी ये वापस भर गई और दोनों भाग बराबर क्या हो गए? समतल हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मेघालय का पठारी प्रदेश इसी पठार का हिस्सा है, बीच में स्थित है मालदा गैफ। वर्तमान में इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमा होने से ये भर गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैंने इस मेघालय के पठार में तीन पहाड़ियां मैंने दी हैं। ठीक है, एक का नाम क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, गारो, दूसरी का नाम क्या है, खासी, और तीसरी का नाम क्या है, जयंती। तीसरी का नाम क्या है? जयंती। गारो, खासी और जयंती नाम की ये तीन पहाड़ियाँ यहाँ पर अवस्थित हैं। तीनों पहाड़ियाँ दोस्तों इस रूप में अवस्थित हैं कि आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो इन तीनों की ऊंचाई, ये सबसे कम ऊंची है, उसके बाद ऊंचाई है, और उसके बाद में ज़्यादा ऊंचाई है। ठीक है, और इसी तरह आसाम में स्थित यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मिकिर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मिकिर, डाफला, आपने नाम सुना होगा, मिकिर है, डाफला है, ये सभी जो असम और अरुणाचल प्रदेश में है। मिकिर पहाड़ियाँ असम राज्य में स्थित है, जो कौन से पठारी प्रदेश का हिस्सा है? मेघालय के पठारी प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पर दो ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं दोस्तों, एक का नाम तो सुना होगा आपने, नौकरेक नाम है, ये नौकरेक पर्वत चोटी, और यहाँ पर एक स्थित है मेघालय की चोटी, या इसको कहते हैं मेघालय या शिलोंग चोटी जो है, ये भी इसी मेघालय में स्थित पर्वत चोटी है, जो इस हिस्से की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के नाम से जानी जाती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। दक्षिण भारत में दंडकारण्य का पठार, कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, इधर से नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उसके बाद में इलायची या कोडरमम जो पहाड़ियाँ हैं उनके संबंध में, महेंद्रगिरी और पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं उन तमाम के बारे में हम यहाँ बात कर लेंगे। दोदा बेटा है, इसी तरह अन्य जो पर्वत चोटियाँ हैं उनके संबंध में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।